प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब, काफी दिनों बाद। ताड़ साहब जरा शायद ट्रैवलिंग पे थे तो नहीं आ पाए, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर आरजू। मैं दर हकीकत एक तो कैलिफोर्निया था अपनी कैंपेन के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंपेन के हवाले से, और फिर उसके बाद हमारे एक बहुत बड़े सिख लीडर हैं दर्शन सिंह धालीवाल, वो यहाँ बहुत पुराने हैं, वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन। उनके भाई जो हैं वो भारत के अंदर एमएलए भी हैं, वो एमएलए नहीं है बल्कि लोकसभा के मेंबर हैं। तो उनकी बच्ची की शादी थी, वहां गया, बल्कि वहां पे बड़े बड़े अच्छे लोगों से मुलाकातें हुई। वहां पे सतनाम संधू साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई, जो के ओनर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ के, और चंडीगढ़ से बीजेपी के वो मेंबर असेंबली भी हैं लोकसभा के, नाइस जेंटलमैन। मेरे बहुत लोगों के साथ मुलाकात हुई, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात हुई, उनकी जो उनकी सपुत्री की शादी थी उसपे, तो उसपे एक तो उस वजह से नहीं आ सका, दो ये हफ्ता नहीं आ सका, एक तो उसकी मैं माफी चाहूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात ये है कि आज बल्कि मोदी साहब की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मोदी साहब, आप आ रहे हैं अमेरिका, मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ दोस्तों के साथ जाऊंगा वहां पे, अल्टीमेटली मैं तो इवेंट में शामिल होऊंगा लेकिन मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनसे मिलेंगे। दूसरा खासकर मैं कल परसों एक इंटरव्यू में गया तो मुझे एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आप मोदी भगत हो, मोदी साहब की बड़े आप फैन हो, इसकी वजह क्या है। मैंने कहा यार मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म, उनकी डेडिकेशन। फिर आप जो बार बार ये नैरेटिव इस्तेमाल करते हो कि मोदी साहब इज आइदर एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम, उस पर भी ये मैंने सुन लो बात, मोदी साहब वैसे एक वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर थे जो बगैर इनविटेशन के ही रुक गए थे नवाज शरीफ साहब के घर में, बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने जाया किया। तो आप सारी चीजें ऐसे ही ना कह दिया करें, कुछ सोचा करें। जिस तरह इसी चीज पर मैं जिस तरह बात करूंगा कि कल से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने गाजा, म्यांमार और साथ उन्होंने भारत के मुसलमानों को वहां पे रगड़ दिया, जिसपे मैंने किसी और ब्लॉग में भी बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा कि 42,000 मुसलमान मारे जा चुके हैं गाजा के अंदर और आपने उन्हीं के साथ भारतीय मुसलमानों को भी आपने शामिल कर दिया। अब बताना चाहूंगा दुनिया में भारत के अंदर तीसरी बड़ी जगह है जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी ईरान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी भारत के अंदर। और देखें कंट्रीज के अंदर इश्यूज होते हैं तो प्लीज इस तरह उसको एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए। आपने चाइना के अंदर जो मुसलमान 1 मिलियन से ज्यादा वहां में कैंपों में है, दाढ़ी रखने पर पाबंदी है, रोजा रखने पर पाबंदी, आप उन्हें उनका जिक्र ही नहीं किया। भारत के अंदर कौन सी पाबंदियां हैं मुसलमानों के ऊपर, बल्कि मैं समझता हूं कि भारत एक वाहिद जगह थी, आज तो नहीं लेकिन वहां पे हज को सब्सिडाइज किया जाता था, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं किया जाता। मेरी समझ से बाहर है कि आप इस तरह इस तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया जाए। जो मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो उनका दो वजूहात जो मैं बताना चाहूंगा देखने वालों को, दो वजूहात है स्टेटमेंट की। एक तो हानिया का मर्डर जो इसराइल ने अंदर घुस के वहां पे किया है, एक तो उससे खुद उनकी हुकूमत और उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने कोई इस तरह की बात की पॉलिटिकल। दूसरा $400 बिलियन का जो ईरान जो चाइना उनको पैकेज दिया, एक उन्होंने उस पे उसके जाहिर शाह के वफादार बनने की कोशिश की। तो वो चीजें हैं आज। लेकिन हम जिस चीज पे बात करेंगे, मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो आपने देखा है कि अफगान एक कौंसल जनरल है, उन्होंने पाकिस्तानी नेशनल एंथम जो है उसके बारे में जो उन्होंने बात की है,
अगला टॉपिक हम जो बात करेंगे कि जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अमेंड करने के लिए उसके अंदर जो तब्दीलियां लाने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है उस पर बात करेंगे। आखिर पे मैं अगर टाइम बचा तो बात करेंगे मोदी साहब के बारे में, इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिस पे बात करना चाहूंगा कि जो काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर में वहां पे खड़े होके हमारी जो मैं चले उससे पहले बात करता हूँ यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करने की एक जो है वो बात की जा रही है, लेकिन उसका मैंने जब उसको डिटेल में गया हूं तो बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। अफसोस इस तरह से हुआ है कि इस वक्त उनका अगर देखा जाए तो 15 मेंबर हैं, 15 में से 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो होते हैं दो दो साल की टर्म्स पर आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से उनको पिक किया जाता है, लेकिन 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो का हक होता है। 14 मेंबर चाहे मिलके सारे एक जगह पे इकट्ठे होके किसी चीज पे एग्री कर जाए लेकिन अगर एक मेंबर परमानेंट उसको वीटो करेगा तो वो खत्म। दर हकीकत इन 5 की ही बादशाही है ये सारा, वही सारे बाख्तियार हैं, दूसरे लोगों का होना ना होना उसका कोई मतलब नहीं। इन्होंने जो हमारी मैं जो पहले बात करता हूँ काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस वहां पे खड़े होके जो अमेरिकन हमारी परमानेंट मेंबर है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड उनका नाम है, उन्होंने उस स्पीच के अंदर कहा जी हम इसमें एक्सपेंड करेंगे, 2 अफ्रीकन कंट्रीज को मेंबर बनाया जाएगा और 3 कंट्रीज जापान इंडिया और जर्मनी को उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए लाजमी, लेकिन साथ ही उन्होंने किसी इंटरव्यू में बैठ के ये कह दिया है कि इनको वीटो राइट्स नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में साउथ अफ्रीका के जो सदर है उन्होंने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ये सेकंड क्लास मेंबरशिप हमें अगर आप ना ही दें तो बेहतर, ये सेकंड क्लास मेंबरशिप है, इसका क्या फायदा, मेंबरशिप हो ना हो क्या फायदा इसका। बल्कि उसका डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन इस पे इस किसी जगह बैठ के उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये क्लब ये अपने एक्सक्लूसिव एलीट क्लब बना लेता है, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं यूरोप के सारे मिलके जिसमें G7 का जिक्र किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि इन्हें अगर एक क्लब बना सकते हैं तो हम ब्रिक्स बना लें तो इनको क्या तकलीफ, क्योंकि अब ब्रिक्स की भी एक्सपेंशन हो रही है। अब डॉक्टर जयशंकर साहब के एक जिक्र इस पे बात करना चाहूंगा, मैं अगले इस वक्त मेरी एक डॉक्टर कमर चीमा साहब के साथ एक मेरी मैंने उसको क्रिटिसाइज किया था राहुल गांधी साहब के ट्रिप को, आज वो बड़ी कल से वायरल है परसों से भारत के अंदर, जो कि मैंने कहा बिल्कुल अपने दिल की बात की थी। दिल की बात यह थी कि उन्होंने अमेरिका के अंदर आके अपनी गंदी लॉटरी धोने का यहाँ पे उन्होंने कोशिश की। डॉक्टर जयशंकर साहब से बात इसलिए जिक्र में आई कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन एक बड़ी बड़ी वाइज स्टेटमेंट दी थी और मैं उससे एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा था कि दुनिया को हमारा इमेज चेंज कर लेना चाहिए अपने जेहन में, और दुनिया इज डूइंग इट मैटर, क्योंकि दुनिया का इस वक्त कोई भी कंट्री आरजू नहीं बचा जहां पे मैं जिनको मैं डायस्पोरा नहीं कहूंगा टेक्नोक्रेट कहूंगा, क्योंकि भारत से जो लोग जाते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एजुकेशन लेकर जाते हैं, एजुकेटेड होते हैं वहां जाके वो अपर लेवल जॉब्स करते हैं टेक्नोक्रेट, तो जिस तरीके से उनका इस वक्त दुनिया में अमल देखा जाए आप उसकी मिसाल मिडल ईस्ट में देख लें, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, तो दुनिया इमेज चेंज कर रही है इस वक्त, बल्कि ये बिल क्लिंटन दौर से ही एक प्रोसेस शुरू हो चुका था जब अमेरिका ने भारत को पार्टनरशिप का एज ए पार्टनर स्टेटस उन्होंने दिया, फिर बराक ओबामा आए उन्होंने इसको स्टेटस दिया, लेकिन इनको एक ये प्रॉब्लम है कि तरक्की देखकर फिर जेलस भी हो जाते हैं, अल्टीमेटली ये एक आदमी रिएक्शन भी होता है जिस तरह आजकल चल रहा है कि एक तरफ एक स्टेप आगे जाके इन्होंने जब मोदी साहब का पिछला ट्रिप था उस वक्त रिलेशनशिप पीक पर थे, लेकिन उसके साथ ही जो कैनेडा के अंदर फिर खालिस्तान मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, यहाँ पे पन्नू साहब जो कि एक वकील है उनका कारोबार पॉलिटिकल असाइलम है उनको तो चाहिए ये चीज, लेकिन उनको अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से उनको इन्होंने खुली छुट्टी दी, बल्कि उसी छुट्टी का जिक्र भी आज भी करूंगा कि पहले भी उन्होंने अपने रिलेशनशिप खराब किए अमेरिका के साथ। आज जो मोदी साहब का दौरा हो रहा है यहाँ पे समिट ऑफ द फ्यूचर जिसको अटेंड करेंगे क्वाड की मीटिंग है डेलवेयर के अंदर जहां जो के स्टेट है हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट साहब की, तो वहां से वो अपने दौरे का आगाज करेंगे और उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे और वहां पे फिर जाके वो स्पीच देंगे। लेकिन उनके आने से पहले आज बड़ा एक नाखुशगवार वाकया हुआ है, स्वामी नारायण मंदिर है लॉन्ग आइलैंड के अंदर, वहां पे आज जाके तो वहां पे
पेंट किया गया, एंटी मोदी चीजें लिखी गई, और मेरे ख्याल में इन्होंने थोड़ा बहुत अफसोस तो उसको किया है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट उसको जिस तरह चाहिए उसके खिलाफ, जब इनका अपना दिल होता है, इस वक्त ये रशिया के रशियन टाइम्स रशियन टुडे के पीछे पड़े हैं, आरटी के पीछे पड़े हैं, और जिस तरीके से अगले दिन इन्होंने हमारे टोनी ब्लिंकन साहब ने उस पर पाबंदियों का भी कहा है, उन्होंने कहा हमारे डिप्लोमेट्स को हमने कहा है कि जहां जहां मुल्कों में बैठे हो इनके पीछे जाओ, और खासकर इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप आरटी जो है उसको भारत में बैन करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनकी पॉजिटिव व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।